उनकोटी जिले की ईरानी थाने की पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। सोमवार दोपहर ईरानी पुलिस अधिकारी सनेश देवर्मा के नेतृत्व में ईरानी पुलिस के अपने गुप्त सूत्र की रिपोर्ट के आधार पर एक बड़े पुलिस बल और टीएसआर द्वारा ईरानी थाना क्षेत्र के डलियार कांडी गांव के चमूनी बाजार क्षेत्र के युवक हकीम अली की तलाशी ली गई। हकीम अली के पास ब्राउन शुगर के 20 डिब्बे बरामद किए गए और तुरंत पुलिस ने हकीम अली को गिरफ्तार कर लिया और उसे ईरानी पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस अधिकारी सनेश देवर्मा ने कहा कि पुलिस ने गिरफ्तार हकीम अली के पास से ब्राउन शुगर, 2 मोबाइल फोन और 500 रुपये नकद बरामद किए हैं। गिरफ्तार किया गया हकीम अली खुद ड्रग्स का आदि था और लंबे समय से अवैध रूप से ब्राउन शुगर सहित विभिन्न नशीली दवाएं बेच रहा था। पुलिस अधिकारी सनेश देवर्मा ने ये भी कहा कि गिरफ्तार हकीम अली को ईरानी पुलिस की हिरासत में रखा जा रहा है और उससे पूछताछ की जा रही है। बाइट्स सनेश देवर्मा। उल्लेखनीय है कि यूसुफ अली के पुत्र हकीम अली का घर धलियार कांडी गाँव में है। हकीम अली इससे पहले भी कई मामलों में कई बार जेल जा चुका है। अपनी गिरफ्तारी के बाद हकीम अली ने खुद समाचार संवाददाताओं के सामने स्वीकार किया कि पुलिस ने उसे ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। बाइट हकीम अली। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि ड्रग डीलर हकीम अली से कुछ और लोग जुड़े हैं। कई लोगों को उम्मीद है कि पुलिस पूछताछ में और जानकारी सामने आएगी। गौरतलब है कि ईरानी पुलिस ने 15 दिन पहले बाबर बाजार इलाके में ग्राहक सेवा केंद्र का लॉकर तोड़कर नकदी चोरी करने के 24 घंटे के भीतर 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। सोमवार को ड्रग्स के साथ ड्रग डीलर को गिरफ्तार करने में ईरानी पुलिस की भूमिका से आम जनता बेहद खुश है। দলিয়াকান্দি বাজারে একজন হাকিম আলী নামে কিছু ড্রাগস কন্ট্রাব্যান্ড মানে সেলিং করতেছে কি আমরা ইনফরমেশন পাইছি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইনফরমেশন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা গেছি স্পটে। তারপরে ওই স্পটে গিয়ে হাকিম আলীর পাইছি। হাকিম আলীর কাছ থেকে এক পকেট থেকে টোটাল 20টা স্মল প্লাস্টিক কন্টেইনার এই হ্যাঁ পকেট থেকে পাইছি। আর কি কি পাইছেন তার সাথে? এর পকেটে এরপরে মোবাইল 2টা, এরপরে কিছু টাকা 500 টাকা আছে এগুলি পাইছি। এর থেকে যে জিনিস পাওয়া গেছে এটাতে কি বুঝে আরও জিনিস আছে না, এর পেছনে আরও লোক আছে না? এই একা এটি তো আমরা তদন্ত এখন কেস রেজিস্টার করতেছি, তারপরে বেরিয়ে আসবে। কেস রেজিস্টার করছি, তারপরে তদন্তকে কিছু দেখা যাবে। এই মুহূর্তে পর্যন্ত এখানে আছে থানাতে? হাকিম আলী এখন থানাতে আছে, জিজ্ঞাসাবাদ চলে। জিজ্ঞাসাবাদ চলতেছে।